प्रभावित है। इसका एक ही अक्सर इलाज है, हमारा खुद का सुरक्षा कवच की त्रिसूत्री है, मास्क, बोलते समय और नाक पर भी और मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है सब जगह जब लोगों में रहते हैं। दूसरा, बारंबार हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5-6 फीट का अंतर, सुरक्षित अंतर, वो रखना चाहिए। उसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ों का पालन करें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही हमारा बचाव है कोरोना से। केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे दो सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है, हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। जलाकर जो हत्या हुई है उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं, बूंदी हो, बांसवाड़ा हो, बाड़मेर हो, सीकर हो, जयपुर हो, इन सभी स्थानों पर बलात्कार की घटनाएं हुई, शर्मंदगी करने वाली। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहाँ ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहाँ दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहाँ जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। जाओ बेहरोड पे और वहाँ AK-47 चलाकर थाने से अपराधी भगाने वाले पुलिसों पर क्या कार्रवाई की है। और करौली में आज जो पुजारी की हत्या हुई है वो बेहद ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है। इस पे सिंध राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन फॉर ए टॉस टुडे इन करौली। अ प्रीस्ट ऑफ ए टेम्पल वॉज बर्नड अलाइव बाय गून्स हु वॉन्टेड टू टेक पोजेशन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल। Recently in Behrod, yet another bizarre incident happened where criminals attacked the police station with AK-47. They fired from AK-47 and took away their accomplice with them, and still nobody has been found. In Bara, in Baswara, in Badmer, in Bundi, in Sikar and Jaipur, at all places in Rajasthan, north, east, south, west, everywhere there are incidences of rape. Rahul Gandhi, instead of going to different places and political tours, he should take up these cognizance of these heinous crimes perpetrated against women, and then
should apologize to the people of Rajasthan that their government has failed and should take action against the culprits by the government and if not on the government. This is what we demand. That's a simple and important aspect of public life where he is failing very badly.